सीएम पे पुतला जलाया है, किस कारण से? ये शिवराज सिंह चौहान जी जो सभी के मामा और भाई बने फिरते हैं, उनकी सरकार में जिस तरह की स्थिति आज महिलाओं की बन रही है वो किसी से छुपी नहीं है। मऊ में आदिवासी महिला के साथ बलात्कार और उसके बाद हत्या और उसके परिजनों पर झूठी एफआईआर की जो कार्यप्रणाली अपने प्रदेश में चल रही है वो किसी से छुपी नहीं है। लगातार महिलाओं पर उत्पीड़न बढ़ रहा है, महिलाओं के बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर वन पर चल रहा है, जिसमें अगर हम देखें तो आदिवासी दलित महिलाएं सबसे ज़्यादा शोषण का शिकार हो रही हैं। उसके विरोध में आज पुतला दहन किया गया था। लाडली बहना योजना की जरूरत शायद मध्य प्रदेश की बहनों को नहीं है, यहाँ की बहनों को आवश्यकता है सुरक्षा की, एक सुरक्षित भविष्य की। उसके विरोध में शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन का कार्यक्रम आज नरसिंहपुर युवा कांग्रेस के द्वारा किया गया था। आज युवा कांग्रेस द्वारा प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, संगठन मंत्री पाराशर जी जो कि आज नरसिंहपुर आए हुए थे, ये महू क्षेत्र में एक ग्रामीण क्षेत्र में एक आदिवासी महिला को सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। जब उसके परिजन न्याय मांगने के लिए थाने पहुंचे तो उन पर फायरिंग की गई, उनको गाली गलौज की गई, उन पर उल्टा मामला दर्ज किया गया। पीड़ित की मां पर 307, पीड़ित की पिता पर 307 का मामला दर्ज किया गया। हम शिवराज सिंह चौहान जी से ये मांग करते हैं कि इस ऐसे निर्दोष आदिवासी परिवारों पर जो अत्याचार हो रहा है इसकी वो पूर्णतः जवाबदारी लें और दोषियों पर कार्रवाई करें। ज्ञापन सौंपा गया है क्या? नहीं, पुतला दहन बस किया गया और सांकेतिक रूप से मांग की गई है शिवराज जी से कि अगर आपसे सत्ता नहीं संभलती, उस तरीके से आदिवासियों पर निरंतर अत्याचार होता रहा, तो आप सत्ता को छोड़िए और चूड़ी पहन लीजिए। क्या नाम है? अतुल चौरसिया, प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस।